उसके उपरांत घर से लाए हुए खेड़ा खांडा वरकुलिया आदि को डालकर होली में जौ गेहूं की बाल और चने के होलों को होली की ज्वाला से सेकी। यज्ञ सिद्ध नवान तथा होली की अग्नि और यत किंचित भस्म लेकर घर आए। वहां आकर वास स्थान के प्रांगण में गोबर से चौका लगाकर अन्नादि का स्थापन करें। उस अवसर पर काष्ठ के खड़गों को स्पर्श करके बालकगण हास्य सहित शब्द करें। उनका रात्रि आने पर संरक्षण किया जाए और गुड़ के बने हुए पकवान उनको दिए जाएं। इस प्रकार करने से ढूंढा के दोष शांत हो जाते हैं और होली के उत्सव सुख शांति मिलती है। कथा का सार यह है, उसी युग में हिरण्यकशिपु की बहिन, जो स्वयं आग से नहीं जलती थी, अपने भाई के कहने से प्रहलाद को जलाने के लिए उसको गोद में लेकर आग में बैठ गई। परंतु भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि होलिका तो जल गई, किंतु प्रहलाद को आंच भी नहीं आई। उसके बदले हिरण्यकशिपु अवश्य मारा गया। इसी अवसर पर नवीन धान्य जैसे जौ गेहूं और चने आदि की खेतियां पककर तैयार हो जाती हैं और मानव समाज में उनके उपयोग में लेने का प्रयोजन भी उपस्थित होने लगता है। किंतु धर्म प्राण हिंदू यज्ञेश्वर को अर्पण किए बिना नवीन अन्न को उपयोग में नहीं ले सकते। अतः फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को समिधा स्वरूप उपले आदि का संचय करके उसमें यज्ञ की विधि से अग्नि का स्थापन प्रतिष्ठा प्रज्वालन और पूजन करके रक्षोघन सुक्त से यव गोधुमादि के चरुस्वरूप बालों की आहूति दी और हुतशेष धान्य को घर लाकर प्रतिष्ठित किया जाता है। उसी से प्राणों का पोषण होकर प्रायः सभी प्राणी हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ हो जाते हैं और होली के रूप में नवानेष्ट यज्ञ को संपन्न किया जाता है।